गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम डॉक्टर नाजमा परवीन. टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ मीडियन नर्व. नाउ वी स्टार्ट. मीडियन नर्व कंटेन ओरिजिन एंड रूट वैल्यू फोर्स एंड रिलेशन आर्म क्वाइटर फोसा फोर आर्म रिस्ट फ्लेक्सर रेटिकुलम पाम ऑफ हैंड ब्रांचेस अप्लाइड ऑफ मीडियन नर्व. ब्रेकियल प्लेक्सस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस क्लास. Today we explain median nerve. Median nerve जो arise होती है brachial plexus से. इसकी root value है C5, C6, C7, C8, T1. ये lateral cord और medial cord के combination से continue होती है. ये enter करती है axilla में. axilla को cross करके ये arm में enter करती है. आर्म में ब्रेकियल आर्टरी होती हैं, उसमें सप्लाई होती है. फिर ये कंटिन्यू होती है क्वाइटल फोसा में. क्वाइटल फोसा से सप्लाई होती है एल्बो जॉइंट में. फिर एल्बो जॉइंट से कंटिन्यू होती है फोर आर्म में. फोर आर्म में जब इंटर करती है तो फोर आर्म में जो फोर आर्म की फ्लेक्सर मसल्स होती है, फ्रंट ऑफ फोर आर्म की जो मसल्स होती हैं वो इसमें सप्लाई होती हैं. तो अपन को पता है फोर आर्म में सुपरफिशियली 5 सुपरफिशियल मसल्स होती हैं और 3 डीप मसल्स होती हैं. ये फ्रंट ऑफ फोर आर्म की मसल्स होती हैं जो मोस्टली फ्लेक्सर करने में हेल्प करती है. तो इसमें से जो फोर आर्म की जो फोर मसल्स होती है सुपरफिशियली उसमें ही मीडियन नर्व सप्लाई होती है. कौन कौन सी है? प्रोनोटोटेरिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडिलिस, पाल्मेरियस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियली. डीप मसल्स कौन सी है? डीप मसल्स अपनी है फ्लेक्सर पॉलिकस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, लैटरल हाफ. ये हाफ में ही सप्लाई होती है. प्रोनोटो कॉर्डिनेटस. फिर एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व. ये एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व में सप्लाई होती है. ये फ्लेक्सर जो मसल्स होती हैं टोटल 6 एंड 1.5 मसल्स में ये मीडियन नर्व सप्लाई होती है. 4 सुपरफिशियल मसल्स होती है, 2.5 डीप मसल्स होती है. फिर ये कंटिन्यू होती है रिस्ट जॉइंट में. रिस्ट जॉइंट के फ्लेक्सर रेटिकुलम में डीपली इंटर होके आगे कंटिन्यू होती है ये हैंड में. हैंड की जो सुपरफिशियली जो थिन लेयर होती है, थिन मसल्स होती है उसमें सप्लाई होती है. थिन लेयर कौन सी है? थिन मसल्स एबडक्टर पॉलिकस ब्रेवियस, फ्लेक्सर पॉलिकस ब्रेवियस, एपोनियस पॉलिकस में सप्लाई होती है. फिर पाम की फिर ये कंटिन्यू होती है पाम की. सेंटर ऑफ पाम में सप्लाई होती है पामर कुटेनियस ब्रांच में. फिर फर्स्ट एंड सेकेंड लुम्ब्रिकल्स में. फिर पाम्स डिजिटल ब्रांच टू सप्लाई ऑफ द स्किन लेटर 3.5 डिजिट में ये सप्लाई होती है मीडियन नर्व. अपन उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं मीडियन नर्व को. मीडियन नर्व पॉइंट टू पॉइंट अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले मीडियन नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ओरिजिन एंड रूट वैल्यू कौन कौन सी है? अपन को पता ही है इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, ये अराइज कहाँ से होती है? ब्रैकियल प्लेक्सस से. ब्रैकियल प्लेक्सस में इसकी रूट वैल्यू कौन सी है? C5, C6, C7, C8 एंड C8 एंड T1. ये लैटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड के कॉम्बिनेशन से कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या करती है? आगे कंटिन्यू होती है मीडियन नर्व. मीडियन नर्व मेनली किस में सप्लाई होती है? फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म. फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म क्योंकि जो फ्रंट ऑफ फोर आर्म की जो मसल्स होती हैं वो फ्लेक्सर में हेल्प करती हैं. लेवर्स नर्व. इसको लेवर नर्व इसलिए बोलते हैं ये हाई वेट होती है. हाई जो हेवी वेट होता है उसको उठाने में ये नर्व बहुत वर्क करती है, बहुत हेल्पफुल होती है इसको. ये लॉन्ग मसल्स को सप्लाई होती है. सप्लाई लॉन्ग मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म. थिकेस्ट नर्व ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. ये थिकेस्ट सबसे थिकेस्ट नर्व होती है ब्रेकियल प्लेक्सस की. अपन इसको आई ऑफ हैंड भी कहते हैं. आई ऑफ हैंड. अब आप बोलोगे आई ऑफ हैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यूज टू थिकनेस एंड टेक्सचर ऑफ क्लॉथ. किसी भी क्लॉथ को हम आइडेंटिफाई, उसके टेक्सचर को या उसके थिकनेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये लिटिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब को जब हम
थम्स के बीच में हम कोई भी क्लॉथ या कोई भी कागज अपन रखते हैं तो उसकी थिकनेस का आइडेंटिफाई हम इस इंडेक्स फिंगर और थम से करते हैं। तो वो एक थिकनेस को हम महसूस या उसको सेंस किससे होता है, मीडियन नर्व से। इसलिए इसको आई ऑफ द हैंड भी कहते हैं इस नर्व को। फिर ये मीडियन नर्व कैसे क्रॉस होती है फ्रॉम एक्जिला, मैंने आपको चार्ट के अकॉर्डिंग भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। मीडियन नर्व फ्रॉम इन एक्जिला, एक्जिला में इंटर कहती है, एक्जिला के लैटरल साइड के लैटरल साइड में एक्जिला आर्टरी के थर्ड पार्ट में ये इंटर होके क्रॉस होके इंटर करती है फ्रंट ऑफ आर्म। आर्म में ये लैटरल साइड ब्रेकियल आर्टरी में इंटर होती है, फिर वहाँ से क्रॉस करके ये कुवाइटल फोसा में इंटर करती है। नाउ एक्सप्लेन कुवाइटल फोसा। कुवाइटल फोसा क्या होता है अपन इसको, तो कुवाइटल फोसा ट्राइंगुलर डिप्रेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एल्बो, ये आप देख सकते हो। इसमें कुवाइटल फोसा एक ट्राइंगुलर शेप बन रहा है, इसका जो बेस है वो किससे बन रहा है, टू एपिकोंडाइल है उसको, दोनों एपिकोंडाइल मिल के बेस बना रहे हैं। एपेक्स जो फ्रंटोटेरिस और ब्रेकियो रिलीज जो मसल्स हैं वो आके एक पॉइंट बना रही, उस पॉइंट को अपन एपेक्स बोल रहे हैं। लेटरल साइड और मीडियल साइड का जो नीचे एक पॉइंट है वो अपना एपेक्स बना रहा है। ये जो बीच का ये पोर्शन है जो उसको अपन क्या बोलते हैं, कुवाइटल फोसा। कुवाइटल फोसा इसमें बाउंड्री आपने देख ली, इसमें रूफ होता है जो सुपरफिशियल टू डीप होते हैं, स्किन में फिर सुपरफिशियल फेसिका, सुपरफिशियल फेसिका का स्ट्रक्चर लैटरली मीडियली इन द मिडिल, लैटरली साइड सिप्लिक वेन एंड लैटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मिडिल साइड वेसलिक वेन एंड एंटीरियर एंड पोस्टियर डिवीजन ऑफ मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म इन द मिडिल, मीडियन कुवाइटल वेन एंड मीडियन वेन ऑफ फोरआर्म, ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। सिप्लिक वेन, वेसलिक वेन, मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, लैटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मिडिल कुवाइटल वेन और बाइसिपिटल एपोनोरियस। डीप फेशिया में स्पेशल थिकिंग बाइसिपिटल एपोनोरियस कैन बी ऑब्जर्व। फ्लोर अपन ऑब्जर्व करेंगे तो जो मसल्स है किस कौन सी है, ब्रैकेलिस मिडिल साइड है, सुपाइनेटल लैटरल साइड है, ये क्या बना रहे हैं इसका फ्लोर। कंटेंट ऑफ कुवाइटल फोसा, ये मीडियल टू लैटरल होते हैं इसके कंटेंट, तो अपन इसमें मीडियन नर्व टर्मिनेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी एंड बिगनिंग ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, बाइसिपिटल एपोनोरियस रेडियल नर्व, अपन इसको MBBR बोलते हैं क्योंकि ये किसमें हेल्प करता है, मीडियल नर्व ब्रेकियल आर्टरी बाइसिपिटल एपोनोरियस रेडियल नर्व, ये आप देख सकते हैं उसमें बेस ऑफ कुवाइटल फोसा। इसके जो पॉइंट हैं कौन कौन से कुवाइटल फोसा में, ब्रेकियो रेडलिस, प्रोनोटोटेरिस, ओरिजिन ऑफ ब्रेकियो रेडलिस, कंटेंट ऑफ द कुवाइटल फोसा, मीडियल टू लैटरल, मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स, रेडियल नर्व, ये सारी इसमें से क्रॉस हो रही है कुवाइटल फोसा से। कुवाइटल फोसा को होते हुए ये क्रॉस होकर कहाँ इंटर होती है, एल्बो में। एल्बो में डीप टू एपोनोरियस में इन फ्रंट ऑफ ब्रेकेलिस, मिडिल टू ब्रेकियल आर्टरी और बाइसिपिटल ग्रूव। फिर ये आगे कंटिन्यू होती है फोरआर्म में, फोरआर्म में ये इंटर करती है। तो फोरआर्म में मैंने आपको बताया था कि सुपरफिशियली एंड डीप मसल में ये कंटिन्यू होती है। तो सुपरफिशियली अपनी कितनी है, 5 है, डीप मसल्स कितनी है, 3 है, लेकिन उसमें से जो 4 सुपरफिशियल मसल्स हैं उसमें ही मीडियन नर्व सप्लाई होती हैं और 3 डीप मसल्स में से 2.5 मसल्स में ये सप्लाई होती है, ये कंटिन्यू होती है। फिर फ्लेक्जर रेटिकुलम में रिस्ट जॉइंट के पास एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है 5 सेंटीमीटर का, उसमें ये डीपली इंटर होके आगे कंटिन्यू। डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ मीडियन नर्व, ये आपको इंटर हो रही है फ्लेक्जर डिजिटोरम सुपरफिशियली और ये सारी मसल्स को क्रॉस होके ये किस में इंटर कर रही है, डीपली फ्लेक्जर रेटिकुलम में।
इन दोनों मसल्स के बीच, फ्लेक्जर डिजिटोरा सुपरफिसली, फ्लेक्जर डिजिटोरा प्रोफेंडेंस के बीच में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये मीडियन नर्व यहाँ से क्रॉस हो रही है और ये आगे कंटिन्यू होती है। फिर इस जॉइंट में कंटिन्यू होके डीपली इंटर करती है पाम में। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम अपन इसकी ब्रांच मीडियन नर्व की ब्रांच कंटिन्यू करेंगे।